दोस्तों, अब रात हो चुकी है। आज 7 तारीख है और 11:50 हो रहे हैं और हम लोग जो है सोने जा रहे हैं। कल सुबह जो है खुलासा हो जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, और प्लस सिजेरियन से हो रहा है बच्चा, तो आप लोगों को पता चल ही गया है। ठीक है, तो आज हम इसी रूम में सोते हैं और कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। देखिए दोस्तों, नई वीडियो में आपका वापस से स्वागत है। आज नींद नहीं आ रही है हम लोगों को। डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होगा, लड़का होगी लड़की होगी, बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। आपसे मैं पूछ रही हूँ बताओ जल्दी। ना, तो दोनों सह दर्द भी सहना पड़ रहा है और फिर सीजर का भी डर लगता है, वो भी होने वाला है, तो दोनों चीज सहना पड़ रहा है। अभी हल्की हल्की दर्द और वही तो, दर्द ज्यादा होता तो नॉर्मल हो जाता, दर्द लेकिन भी चलो अब जो भी है सीजर प्रॉपर से ही हो रहा तरीके से है। नहीं हो रहा लेकिन है। लड़का होगा कि लड़की होगी जल्दी बताओ। मेरे जल्दी बताइए आप। लिए तो दोनों में से कोई हो, मेरे पास तो दोनों नहीं है ना। हाँ, तो ट्विंस थोड़ी है। मान लो लड़का होता तो मैं लड़की कहता, लड़की होती हाँ, तो तो मैं जल्दी लड़का बताओ। कहता। अभी तो मेरे पास दोनों में से कोई नहीं है, तो कोई भी हो जाए चलेगा। तो क्या मतलब, बताओ आप, गेस करो कि क्या हो सकता है। गैस क्या करूं, गैस जो है जो भी होगा मेरा होगा। कल वो पता तो चली, मुझे अरे पता ही है, तो 10 घंटे में पता चल ही जाएगा तो क्या पता होगा। चलने से पहले मैं गेस करने के तो लिए तुम ही बोलूँ। गैस करो, तुम बताओ, तुम तो माँ हो, तुम्हें पता होगा कि लात मार रहा है तो क्या लग रहा है, ये लड़का है कि लड़की है। छोटे मुझे तो लग रहा है छोटे राज। राज मतलब, तो मतलब लड़का। अरे तो मैं तो लड़का हूँ तो मतलब लड़का होगा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं, चलो ठीक है, तो कल पता सुबह नहीं देखते ऐसा कुछ, हैं, तो जल्दी बताओ। सुबह देखते हैं ना क्या है। चलो अब सो जाओ, तुम्हारा सब टेस्ट हुआ है, अब तुम्हें आराम से रिलैक्स करना। कल ऑपरेशन भी होना है। ठीक है, चलो सो अब जाओ, कल देखते मुझे हैं। मुझे पानी भी नहीं पीने दे रहे हैं, मुझे प्यास नहीं है। मैं रात भर पानी पीती तो पानी भी मना थी है, और वो मना कर पानी रहे हैं कि भी एक्चुअली वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, इसलिए मना कर दिया इस उन्होंने। मिक्सी होता है, इस वजह से पानी भी आप नहीं पी सकते सीसर से। तो अब मना कर दिया, कोई नहीं, देखते हैं सुबह जो है उसके बाद, ऑपरेशन के बाद तो धीरे धीरे रिकवरी भी इसकी थोड़ी सी लेट होती है। 5 दिन में डिस्चार्ज मिलेगा और प्लस रिकवरी में भी थोड़ा टाइम लगता है, ये 3 महीने नॉर्मली, 2 महीने 3 महीने और टांके जो है भरने में लगते हैं। चलिए देखते हैं सुबह क्या होता है, ऐसे तो नींद नहीं आ रही है एक्साइटमेंट में। और कल का दिन वैसे 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर जो है आपका एयरफोर्स डे होता है, तो बच्चे का जन्म जो है एयरफोर्स डे के दिन होगा, तो लड़का हो चाहे लड़की एयरफोर्स में उसको भेजने का ट्राई करेंगे, है ना। एयरफोर्स में क्यों? एयरफोर्स डे है ना कल, इसलिए हाँ, उससे पूछेंगे क्या चीज़ में जाना चाहता है या जाना चाहती हूँ। चलो एयरफोर्स डे है तो जाना जाना क्या है, एयरफोर्स अच्छी नौकरी है। मैं तो जा नहीं पाया, मैं तो बहुत ट्राई किया था पायलट बनने का, बन नहीं पाया। अब उसको देखा जाएगा, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो उसको जो है ट्राई करवाया जाएगा। सुबह देखते हैं क्या है ना, सोते हैं अब। ये दोस्तों सुबह हो गई, सारे लोग वापस आ गए, फिर सुबह सुबह जो है उठते ही ये एक कार्टून दवाई ले आया हूँ लगाने के लिए। ये दोस्तों सर्जरी से पहले अलग अलग टाइप की बोतल चढ़ रही हैं, सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जो एक कार्टून दवाई लेके आया था सब बारी बारी से चढ़ेगा, उसमें आपका सर्जरी रिलेटेड सामान भी था, ग्लव्स, इंजेक्शन, बोतल, पता नहीं क्या क्या, तो बैठे हुए उसी की प्रिपरेशन चल रही है। इसमें खतरे क्या क्या हैं? अरे फॉर्मूलेट होता है, कुछ नहीं खतरा होता, कुछ नहीं परेशान। दोस्तों अब जा रहे हैं सारे लोग रूम छोड़ के, ऑपरेशन में जाने का टाइम हो गया, तो लेके चल रहे हैं ऑपरेशन के लिए। टाइम हो गया 9:30 बजे, 9:30 बजे लेके जा रहे हैं। अब आधे से 1 घंटे बाद एक बच्चा होगा हाथ में, है ना। पापा पापा
पापा रूम लॉक कर रहे हैं और आएंगे सारे लोग, वो भी आ रहे हैं, ये रहे हैं। चल रहे हैं दोस्तों, आ गए हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर, यहीं बैठ के इंतज़ार करेंगे। अब बाहर बैठ के दोस्तों वेट कर रहे हैं, अब अंदर जाओ ऑपरेशन थिएटर में ले। हाँ, मरना मुन्ना आ जाएगा। 9:30 हो गए हैं और अभी अभी ऑपरेशन थिएटर में अंदर जो है शुरू हो गया है, सब डॉक्टर वगैरह पहुँचे हैं। हम देखिए कितनी देर बाद वहाँ से निकल के आते हैं, पता चलता है हमें। वहाँ पापा मम्मी भी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये हम लोग बाहर बैठे हैं इसी के, बैठे बैठे दोस्तों आधे घंटे हो गए, सब लोग बैठे हैं। जो है ऑपरेशन हो गया, सारे लोग वेट कर रहे हैं कि क्या हुआ जानने के लिए। चार किलो ज्यादा हो गया था ना, 4 किलो में 200 ग्राम कम, इतना मोटा बच्चा नीचे से नहीं आ पाता बेटा। अच्छा तो इसका खुश होना, लेकिन अगर आपकी बातों में चलते नॉर्मल खुश नहीं होते। अच्छा तो ये ज्यादा खाने पीने से हो गया क्या, ज्यादा केयर कर दी? दादाजी की गोद में आ गया है। देखिए दोस्तों ये लाइफ सेल का प्रोसेस है पूरा, इसी बॉक्स में जो है, बॉक्स में कभी खोला ही नहीं था, कैसा है कोई दिक्कत तो नहीं, तो देख लेते हैं। तो वो खुलेगा नहीं सर, पूरा पैक? हाँ पूरा पैक मैं खोलूँगा, लंच बॉक्स टाइप है। देखिए दोस्तों इसी में ब्लड स्टेम सेल और सारी चीज़ें जो हैं हुई होंगी जमा, और इससे जो है सुरक्षा प्रदान होता है। ठीक है तो मर्जी है तो आप लोग भी लाइफ सेल पे जा सकते हैं। घर से ही लेके चले जाएंगे, अब जा रहे हैं घर, घर से जो है नहा के आएंगे। और बच्चा अभी NICU में है, छोटे बच्चे के ICU पे NICU नाम दिया है, फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, और साल ने भी ICU में है, तो दोनों अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और देखते हैं किसको कब डिस्चार्ज करते हैं, अभी टाइम है। इसलिए पापा हैं इधर और हम लोग निकल रहे हैं, नहा धो के जल्दी आ जाएंगे। वो तो हॉस्पिटल से आते ही ये देखें कपड़ा खरीद रहे हैं, पहले डिसाइडेड नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, तो कपड़े नहीं लिए थे, टॉवल में लपेट के मिला था। अब देखिए कपड़े ले रहे हैं, उतरते हैं हॉस्पिटल से। अभी तक ताला ही नहीं खुला है यहाँ, बताइए छोटे पापा हो गए। अब छोटे पापा को हॉस्पिटल भेजा जाएगा देखने के लिए। बच्चे का कपड़ा भगवान को चढ़ा दिया क्या, अब जो है भेजा जाएगा। और ये छोटे पापा को पहनाया जा रहा है ताकि ये पुराना हो पाए, मान्यता ये है कि पुराना कपड़ा पहनाना है बच्चे को, तो ये देखिए लाल पीला पहनाया जा रहा है। ये देखिए यही रख के बच्चा दूध पिएगा। बच्चे का फेस रिवील और जेंडर रिवील मैं अगली वीडियो में करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।